आम आदमी पार्टी की युवा नेता तथा कैंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 7 की निवासी ज्योति अक्षरा मान की ओर से एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है तथा ना ही उन्होंने इस संबंध में कोई बयान दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि आपकी मीटिंग संबंधी न तो उन्हें कोई जानकारी दी गई तथा न ही मीटिंग की कार्रवाई की उन्हें कोई सूचना दी गई है। उन्होंने बताया कि उन्हें अखबारों के माध्यम से पता चला कि कैंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 7 जो कि महिलाओं के आरक्षित किया गया है से चुनाव लड़े जाने की जानकारी मिली जो कि बेबुनियाद है। मैं ज्योतिमान अक्षरा आम आदमी पार्टी आज जो न्यूज़पेपर असी पढ़िया था पता लगा कि कंटोनमेंट बोर्ड दे जो इलेक्शन होने ने जनवरी दे विच ओदे विच मेरा नाम भी वार्ड नंबर 7 जो कि वूमेन रिजर्व किया गया है जिदे विच मेरा नाम ज्योतिमान दिता गया है कि ज्योतिमान दावेदार है पर मैं यह चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि मैं चाहती हाँ कि जड़े मेरे वर्गियाँ मेरिया भैन वध चढ़ के आम आदमी पार्टी की जो सहयोग करन जो कि एक पार्टी का जो एजेंडा है कि करप्शन के भ्रष्टाचार के प्रति लड़ना। मैं चाहती हाँ कि मेरिया वर्गिया भैन अगे आन ते उम्मीदवार बनन ते मैं उन्हों का पूरा सहयोग दूंगी। लेकिन जिहड़ी न्यूज़पेपर दे विच इह खबर आ चुकी है कि ज्योतिमान दावेदार आ पर यह बिल्कुल गलत आ क्योंकि जो ये मीटिंग हुई तो मैं उस मीटिंग दे विच भी नहीं सीगी ना उस मीटिंग का कोई मेरा सहयोग आ कि ना मैनूं सूचना दित्ती भी नहीं गई।